हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश मॉर्न। दोस्तों, आज जो हम क्लास लेने वाले हैं उसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, इस टॉपिक से आपको 100% कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा ही। तो चलिए, आज हम एक्सरसाइज के माध्यम से यहाँ पर रूल्स और एक्सरसाइज दोनों साथ में करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज करें। देखिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सिंटैक्स भी कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। चाहे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड हो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या सिंटैक्स बोलें, सेम बात होगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है वो है व्हाट वी नीड मोस्ट डैश बोथ्स, और यहाँ पर इज आर में से आपको एक करेक्ट फॉर्म यूज करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारा जो पूरा का सब्जेक्ट है वो है इतना, मतलब व्हाट वी नीड मोस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमें फिल करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये दोस्तों पूरा एक क्लॉज लिखा हुआ है, याद रखिए। क्या लिखा हुआ है? ये क्लॉज लिखा हुआ है और रूल है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर कोई क्लॉज होता है तो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है। हमेशा ध्यान दें कि जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर एक क्लॉज लिखा हो तो वो पूरा पूरा सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा सिंगुलर वर्ब। तो हमने यहाँ पर दो वर्ब लिखी थी, इज और आर, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका इज। ओके, सेकेंड सेंटेंस है ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम, यूज करना है हैज और हैव। तो ये रूल है कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है, रूल है कि जब भी आपके सब्जेक्ट में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज हो तो वो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है, और ईच और एवरी के बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, इस बात को याद रखिए। ईच एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, और इसके बाद जो एडजुलरी वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर ही होगी, ठीक है। तो ईच चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम, तो यहाँ पर ईच चाइल्ड सिंगुलर हो सब्जेक्ट होने की वजह से सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड, मोस्ट ऑफ द बॉयज डैश गॉन होम, तो यहाँ पर हमें यूज करना हैज या हैव में से। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है कि मोस्ट ऑफ द बॉयज, एक रूल है कि जब भी सेंटेंस में आपका क्या हो, देखिए, जब भी सेंटेंस में आपका मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब भी आपका सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ हो तो आप हमेशा याद रखें, इसके बाद ये जो नाउन है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और यहाँ पर यदि अनकाउंटेबल नाउन होता तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता। तो मोस्ट ऑफ दैट के बाद हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल, क्योंकि बॉयज हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आएगा हैव। अब यहाँ पर ये कई बार लोगों को प्रॉब्लम देता है कि यहाँ पर गॉन होम के बीच में टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा या नहीं। तो मैं बता दूँ कि गो होम ये इडियोमेटिक फ्रेज होता है और इसके बीच में आप टू प्रपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि होम यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये जो टू प्रपोजिशन हम यहाँ पर लगाते हैं यानी गो के बाद, उसके बाद एक नाउन होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, इसलिए हम यहाँ पर टू प्रपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश ए कार, यूज करना इस सेंटेंस में हैज या हैव में से। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि कई बार बताया है कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी याद रखें, वन ऑफ के बाद ये जो नाउन होता है ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। यदि यहाँ से हम एस को अमिट कर दें या हटा दें तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज ए कार, ये यूज किया जाएगा, यहाँ पर हैव का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द मैंगोज डैश रॉटन, हाफ ऑफ द के लिए भी आप इसे याद कर लीजिए यहाँ पर, कि हाफ ऑफ के बाद यदि
प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब और अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। आप इन स्ट्रक्चर्स को इस तरह से याद रखें कि हाफ ऑफ के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और यदि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक। अभी मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ एंड ट्रैफिक आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो मोस्ट ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक गोज बाय द मेन रोड, यानी ज़्यादातर ट्रैफिक मेन रोड से जाता है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अ नंबर ऑफ बॉयज डैश देयर। ये नंबर ऑफ के साथ दोस्तों याद रखिए, ये छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, ए नंबर ऑफ, और कई बार सेंटेंस में आता है द नंबर ऑफ, ठीक है। इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है, ए नंबर ऑफ के साथ आती है प्लूरल वर्ब एंड द नंबर के साथ आती है सिंगुलर वर्ब, याद रखिए। यहाँ पर ए नंबर ऑफ है तो आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ होता द नंबर तो यहाँ पर वर्ब यूज होती सिंगुलर। तो अभी हमें क्या यूज करना है, वाज और वर्ब में से, तो यहाँ पर हमारा जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा सॉरी वर, कि अ नंबर ऑफ बॉयज वर देयर, ये यहाँ पर यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस द पेन दैट यू गेव मी डैश लॉस्ट, यानी वो पेन जो तुमने मुझे दिया खो गया। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, ये क्लॉज लिखा हुआ है आपका, रिलेटिव क्लॉज है जिसका सब्जेक्ट इधर है और प्रेडिकेट यहाँ पर है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, पेन इज लॉस्ट, ओके, द पेन दैट यू गेव मी, वो पेन जो तुमने मुझे दिया वो खो गया। नेक्स्ट है गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर्स ट्रैवल डैश ए फेमस सैटायर। एक दोस्तों सैटायर है गुलिवर ट्रैवल, बहुत ही फेमस है, जो जॉनथम स्विफ्ट ने लिखा है, ओके, सीबीएसई में आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। वैसे गुलिवर्स ट्रैवल इस बुक का नाम है, और जो बुक के नाम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होंगे। यहाँ पर वैसे ट्रैवल में ऐसा लगा रहा है, लेकिन हमें यूज क्या करना होगा यहाँ पर, इज। तो गुलिवर्स ट्रैवल इज ए फेमस सैटायर, तो इस तरह से यहाँ पर हमारी ये सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।